हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए चेहरे से जुड़ी समस्याओं पर वीडियो लेकर आए हैं जो आपके चेहरे को ऐसा ग्लोइंग और चमकदार बना देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस नुस्खे में ऐसा क्या खास है जो आपके चेहरे को इतना चमकदार बनाने का दम रखता है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए उसमें सबसे पहली चीज है दोस्तों ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का प्रयोग दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्लिसरीन में चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ यह हमारी बॉडी को भी सुंदर बनाने का दम रखती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले एक साफ खाली बाउल लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले चाहिए आधा चम्मच हमें ग्लिसरीन लेना है। ये आधा चम्मच हमने ग्लिसरीन ले लिया है। तो दोस्तों, उसके बाद हमें चाहिए गुलाब जल। गुलाब जल यानी रोज वाटर। रोज वाटर में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे चेहरे के एक्ने पिंपल्स को खत्म कर देते हैं और हमारे चेहरे को कोमल बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसमें हमें आधा चम्मच रोज वाटर ले लेना है। लगभग आधा चम्मच हमने रोज वाटर इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या लेना है, उसके बाद हमें चाहिए नींबू का रस। लेमन में व्रिंजक गुण होता है जो हमारी त्वचा को गोरी करता है। नींबू एक अच्छा एंटीसेप्टिक है और नींबू में विटामिन सी और सिट्रस होता है जो हमारी त्वचा को निखार देता है। नींबू का रस ले लेते हैं। हमें नींबू का रस भी इतनी ही मात्रा में लेना है, यानी आधा चम्मच हम नींबू का रस ले लेंगे। नींबू का रस शरीर की गंदगी निकालने में भी सहायता करता है। यह हमारी स्किन को निखारता भी है और बढ़ती उम्रियों की झुर्रियों को भी कम कर देता है। तो दोस्तों, लगभग आधा चम्मच हमें लेमन का जूस लेना है। नींबू का रस हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। इसको अब हमने इसमें अच्छे से ऐड कर लिया है, यानी हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हमें इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। इसको हमें दोस्तों एक कॉटन की सहायता से इसको हमें अपने फेस पर, अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। इस तरह से आप अपनी स्किन पर आप इस तरह से अप्लाई करें और इसको सूखने तक आपको छोड़ देना है, यानी जब तक ये सूखे आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद आप ठंडे पानी से उसको वॉश कर लें। दोस्तों, इसका अच्छा इफेक्ट पाने के लिए, यानी दोस्तों इसका आपको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको इसे अगर रात को करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रात को आप इसे लगाकर छोड़ दें और सुबह आप अपने फेस को वॉश कर लें। यह प्रयोग आपको दोस्तों 8 से 10 दिन तक लगातार करना है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और 8 से 10 दिन आप इसको अप्लाई करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले पा सकें और फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।